सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। डॉक्टर कफील के खिलाफ रासुका के तहत मामला दर्ज किया गया है। डॉक्टर कफील को मुंबई से जनवरी के महीने में गिरफ्तार किया गया था और यूएटीएस लगाने पर भी सवाल उठे थे। शुक्रवार को डॉक्टर कफील जमानत पर रिहा होने वाले थे। पिछले साल 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है और अब डॉक्टर कफील की मुश्किलें रासुका लगने पर बढ़ गई हैं। डॉक्टर कफील की रिहाई आदेश कल रात में 8 बजे के बाद आया था। आज मॉर्निंग में उनकी रिहाई होनी थी। उनकी रिहाई होने से पूर्व जनपद अलीगढ़ से डीएम महोदय के आदेश पर NSA का आदेश आ गया था, तो NSA उन पर तामील कराया गया है। मथुरा जेल कब शिफ्ट किया गया था? हाँ, मथुरा जेल इन्हें 31 जनवरी को शिफ्ट किया गया, अलीगढ़ से शिफ्ट किया गया था। वर्तमान में वो NSA में बंद है और जिस केस में उन्हें यहाँ शिफ्ट किया गया था, माननीय न्यायालय के केस था 153-154, उसमें उनकी जमानत हो गई। फिल्म अभिनेता अनुराग कश्यप जामिया में चल रहे CAA की विरोध प्रदर्शन में पहुंचे। अनुराग कश्यप ने कहा कि विरोध प्रदर्शन रुकना नहीं चाहिए, ये लंबी लड़ाई है। इसके अलावा अनुराग कश्यप शाहीन बाग भी पहुंचे और शाहीन बाग में बिरयानी भी खाई। साथ ही कहा कि ऐसा लग रहा था कि हम मर चुके हैं, मगर यहाँ आने के बाद लग रहा है कि हम जिंदा हैं। आज से अगर 3 महीने पहले की बात करें तो मुझे लगता था कि हम लोग कहीं अंदर खत्म हो गए, मर गए। हम लोग चुपचाप जो है अपनी मौत मर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे आके लगता है कि हम लोग जिंदा हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।